बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद में बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उन पर फाइनेंस कंपनी का करोड़ों का कर्ज हो गया था। आरोप है कि कर्ज के दबाव के चलते उनकी जान गई है। पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी के अधिकारी समेत 5 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की जान वसूली गैंग ने ले ली? फाइनेंस कंपनी ने उन पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें आत्महत्या करना जीने से ज्यादा आसान लगा। नितिन देसाई के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल होता गया और उन्होंने अपनी जान दे दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है और ये FIR फाइनेंस कंपनी एडल वॉइस कंपनी के अधिकारियों पर हुई है। ये FIR फाइनेंस कंपनी एडल वॉइस के अधिकारियों पर हुई है। नितिन देसाई ने साल 2016 में कंपनी से 150 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिर 2018 में भी देसाई ने 35 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके बदले एनडी स्टूडियो की जमीन गिरवी रखी गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं नितिन देसाई ने फाइनेंस कंपनी के दबाव में आकर तो आत्महत्या नहीं की। 2 अगस्त को मुंबई में अपने स्टूडियो में उनका शव पंखे से झूलता मिला था। 4 जुलाई को एनडी स्टूडियो में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब उनकी बेटी मानसी ने महाराष्ट्र सरकार से केस की जांच कराने की अपील की है। नितिन देसाई के घर वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से इंडस्ट्री को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए स्टूडियो भी बंद था। वो नियमित पैसे नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उनका इरादा फ्रॉड करने का नहीं था। वो लगातार कर्ज चुका रहे थे। उन्होंने कई बार लोन कंपनी से बात करने की कोशिश भी की। कंपनी ने उन्हें आश्वासन तो दिया, लेकिन आगे चलकर वे कानूनी कार्रवाई करने लगे। पुलिस ने इस मामले में फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारियों समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 2016 में नितिन देसाई की एनडी आर्ट कंपनी ने एडल वॉइस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से लोन लिया था। पुलिस इस मामले में एडल वॉइस कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।